नमस्कार, मेरा नाम अंजय कमल कुमारी से। मैंने बीएड के साथ इतिहास विषय से स्नातकोत्तर किया है। साथ ही मैंने ग्रामीण विकास में डिप्लोमा और इसके साथ स्नातकोत्तर की डिग्री भी लिया है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में 8 वर्षों का अनुभव है, जिसमें से 3 वर्ष निजी विद्यालय में और 5 वर्षों का अभी वर्तमान में राज्य सरकार के विद्यालय में शिक्षण का अनुभव है। मैं जिला रांची का रहने वाला हूँ। हमारा विद्यालय रांची जिला के प्रखंड बेड़ो से 10 किलोमीटर दूर अवस्थित है। मेरे विद्यालय का नाम राजकीयकृत उच्च विद्यालय जहानाबाद बेड़ो है। रांची मुख्यालय से मेरे विद्यालय की दूरी 46 किलोमीटर है। मेरी समस्या यह थी कि ग्रामीण परिवेश के बच्चे उतनी बातें भी सीख नहीं पाते थे जितनी उन्हें विद्यालय में सिखाया जाता था, क्योंकि ये वे विद्यालय के समयावधि में तो विद्यालय में जो कुछ भी सिखाया जाता था वे उसे सीखने का प्रयास तो करते थे, किंतु विद्यालय समयावधि के पहले या उसके बाद वे अपने घर के कार्य अथवा खेती कार्य में लग जाते थे। मैंने जब श्री अरबिंदो सोसाइटी के ZIIEI कार्यक्रम का प्रशिक्षण प्राप्त किया तो मुझे ज्ञात हुआ कि बिना पैसा खर्च किए भी नवाचार किए जा सकते हैं, जिससे पढ़ाने या सिखाने के तरीके में सुधार किया जा सकता है। इनोवेटिव पाठशाला कार्यक्रम के प्रशिक्षण से मुझे अपने विषय को विभिन्न गतिविधियों से बच्चों को सिखाने का तरीका समझ में आया। इस प्रशिक्षण के बाद मेरे दिमाग में जो गतिविधियाँ चल रही थी उसे ठीक ढंग से क्रियान्वित कर पाया। मुझे खुशी है कि इस काम को करने में ZIIEI के प्रशिक्षक श्री नीलेश शर्मा जी ने मेरी काफ़ी मदद की। मैंने अपना आइडिया उनसे साझा किया और उनसे मदद लेकर उसमें काफ़ी सुधार किया, जो मेरे इस आइडिया को सफल बनाने में काफ़ी सहायक हुए। मेरी समस्या यह थी कि ग्रामीण बच्चे अच्छी तरह से पूरी पाठ को समझ नहीं पाते थे, तो मैंने क्या किया कि अपने किसी एक कक्षा में बच्चों को विभिन्न समूहों में बांट दिया। जैसे मैंने समूह का नाम रखा बोस हाउस, गांधी हाउस, नेहरू हाउस और अटल हाउस, और उन बच्चों को मैं जो पुरानी परंपरा थी कि पहले शिक्षक पाठ को पढ़ा देते थे फिर बच्चों से सवाल जवाब करवाते थे, मैंने क्या किया उन बच्चों के साथ कि बच्चों को एक बार पढ़ाने के पश्चात उन बच्चों से ही प्रश्न निकलवाता था, ताकि वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उस किसी भी पाठ से ज़्यादा प्रश्न निकाल सके, दूसरे समूह के बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकाल सके, तीसरे समूह के बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकाल सके, चौथे समूह के बच्चे भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न निकाल सके। और हर बार रोस्टर वाइज मैंने बांध रखा था कि चारों हाउस जो होंगे उसके बीच में एक मेन हाउस होगा जो प्रश्न करेगा। सभी बच्चे किसी भी पाठ को जब प्रश्न का उत्तर तैयार करके लाते थे तो बच्चे जब मेन हाउस के जो बच्चे, मान लीजिए उसका नाम मोदी हाउस है, मोदी हाउस के बच्चे सवाल करते थे हाउस नंबर 1 से, उसका जवाब अगर आया तो ठीक, अगर जवाब नहीं आया तो 0 मार्क्स मिले, जवाब आया तो उसे 1 नंबर दिया गया, दूसरे हाउस से, तीसरे हाउस से, चौथे हाउस से, इस तरह से करते करते उन बच्चों में क्या हुआ कि पूरे पाठ की समझ भी आ गई और जवाब भी देने लगे, साथ ही साथ उन बच्चों में एक प्रश्न बैंक का तैयार हो गया जो पूरी पाठ को याद रखने में उन्हें सक्षम बनाया जा सका। शुरुआत में तो ये सब मैंने इसलिए किया कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा भाग ले सकें। हाउस को भी मैंने यूं ही तैयार नहीं किया, घर में जो ऐसे सामग्री थे जिनका उपयोग वे नहीं कर पाते हैं तो उन सब चीज़ों को मैंने कक्षा में ही लगवा दिया और उसे डिजाइन बनवा दिया, किनका हाउस कितना अच्छा होगा इस पर भी मार्क्स दिए जाए और उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए। इस तरह से बच्चों को सारे पाठ के सारे पॉइंट्स, जितने भी बिंदु हैं, सारे याद होते गए और मेरे बच्चे अच्छा करने लगे। मेरी समस्या का सुधार इस तरह से हुआ। मेरा विद्यालय एक रोल मॉडल बनकर के उभरा, जो 8वीं की बोर्ड परीक्षा झारखंड राज्य में होती है। हमारा विद्यालय में 8वीं कक्षा में पिछले वर्ष 100% बच्चों ने सफलता हासिल किया और सभी प्रथम डिवीज़न से पास किए। साथ ही साथ कोविड के समय
मैंने क्या COVID-19 के समय में मैंने क्या किया कि उन बच्चों को जो कक्षा में मैंने जो समूह बांटा था टोले में बांट दिया, ताकि मेरे द्वारा जब ऑनलाइन कक्षाएं ली जाए तो जब मैं उनसे कोई टास्क दूं तो वो अपने इसी खेल को अपने गांव में या अपने टोले में उसे संचालित कर सके। इस क्रियाविधि का नाम मैंने हाउस फन रखा है। इससे पहले तो ये कक्षा में होती थी, लेकिन चूंकि ये घर में होने लगे इसीलिए इस पूरी क्रियाविधि को मैंने हाउस फन रखा है। और मैं धन्यवाद देता हूँ श्री अरबिंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा मंच प्रदान किया अपनी बातों को रखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।